नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश। देखिए, आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो मेरे सब्सक्राइबर पूछते हैं, जो टायर वन में जो एमटीएस का जो रिज़ल्ट आने वाला है 15 तारीख को, तो उसमें कितने बच्चे जो हैं क्वालिफाई कराएंगे टायर टू के लिए। ठीक है, तो ये कुछ मैं आपको स्टैटिस्टिक से बता देता हूँ क्या होता है यूजुअली हर एग्ज़ाम में क्या होता है। तो देखिए, पहले ये एडवर्टाइजमेंट आया था दिसंबर 2016 में, ठीक है, क्लोजिंग डेट था ये। इस टाइम आपका जो वैकेंसी था वो 8300 था। ठीक है, अब देखिए, आप मान लीजिए क्लोजिंग डेट से होता क्या है, अब इनिशियल जो 8300 वैकेंसी लिया गया था, मतलब जो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट था वो 31/12/2016 था। ठीक है, मतलब उस डेट में जितने भी डिपार्टमेंट ने उनको नोटिफाई किया था जब भैया मेरे पास इतने वैकेंसीज है एमटीएस का, तो एसएससी ने उसको कंपाइल करके 8300 वैकेंसी डिक्लेयर कर दिया। अब देखिए, उससे कितना दिन हो गया, ऑलरेडी 2017 पूरा आपका चला गया। अच्छा, ये फाइनली जो होते होते, मतलब आप मान लेते टायर टू या फाइनल होते होते, ये अराउंड हम लोग रफली अगर 10,000 भी मान लेते दोस्तों, ठीक है, इसका वैकेंसी बढ़ेगा ही, डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि आप 19 तक हर सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत जो है मास आपका रिटायरमेंट है, ये मान लीजिए। हम लोग के ऑफिस में भी बहुत सारे जो है रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो ये एकदम डेफिनेट है। तो मतलब हम लोग अगर मान के चलते हैं, अगर 10,000 भी वैकेंसीज होता है, 10 से 11,000, 12,000, 13,000 कुछ भी हो सकता है, अगर 10,000 भी होता है, यूजुअली क्या होता है, हमेशा जो कभी कभी जो पैटर्न आप देखेंगे स्किल टेस्ट के लिए भी, या इंटरव्यू पहले जब होता था, जब हम लोग इंटरव्यू भी देते थे, तो हमेशा क्या है, एक रेशियो रहता था, एक टाइम से रहता था कितना ज़्यादा वो लोग कैंडिडेट बुलाएं। अगर जैसे कोई भी आपका एक पेपर दूसरा है, तो यूजुअली वो 10 से 15 टाइम्स तक बुला लेते हैं। ठीक है, अगर इंटरव्यू होता था वो 3 टाइम्स बुलाते थे, तो यही रवैया रहता था एसएससी का। लास्ट ईयर भी एसएससी में अगर देखें तो अराउंड कुछ कुछ नॉर्दर्न रीजन वो सब में अराउंड 4 मान लो 450 कुछ दे, तो 4,500 ही आपका कैंडिडेट बुलाया गया था, मतलब 10 टाइम्स आपका कैंडिडेट बुलाया गया था। तो इस बार भी हम लोग अगर मान लेते हैं, क्योंकि 8,300 अगर इसी को इनिशियल मानते, तो 83,000 बुला सकते हैं जो मिनिमम है, और वैकेंसी क्योंकि डेफिनेटली बढ़ेगा दोस्तों, तो आप मान लीजिए जो क्वालिफाइंग का रेंज होगा वो 83,000 से 1,00,000 तक हो सकता है, अगर 10,000 भी हो, और ये तो होना ही है दोस्तों, 10,000 तक हो, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आप मान के चलिए 10,000 तक होगा, तो 83 to 1,00,000 कैंडिडेट जो है वो टायर वन क्वालिफाई करेंगे, टायर टू के लिए बुलाए जाएंगे, आपको बुलाया जाएगा आपको डिस्क्रिप्टिव देने के लिए, जहाँ पे आपको एसे या लेटर के बीच एक चूज़ करना है, कोई भी एक लिखना है, उसमें बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, 4 से 5 टॉपिक मिलेंगे एसेस का, 4 से 5 टॉपिक मिलेंगे आपको लेटर का, आपको एक चूज़ करना है, और आपको ये देख लीजिए इतना कैंडिडेट्स तो डेफिनेटली आप देख लीजिएगा जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, इतना तो डेफिनेटली होगा ही होगा, इससे कम तो होगा ही नहीं, इससे ज़्यादा ही कैंडिडेट एसएससी बुलाएंगे आप, ये रेंज से ज़्यादा ही मिलेगा आपको, इससे कम नहीं मिलेगा। तो आप डेफिनेटली प्रिपरेशन करते रहिए, एकदम हार्डवर्क करते रहिए दोस्तों, क्योंकि इतने सारे मेरे सब्सक्राइबर मुझसे ये पूछ रहे थे, तो उसके लिए मैंने ये आपको एक ऑफिशियली वीडियो बना के दे दिया। तो आप प्रिपरेशन करते रहिए आपका जितना भी, देखिए एक मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप बहुत सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप कर लेते हो, मुझे टेलीग्राम में पूछ लेते हो, मुझे फ़ोन करते हो, एक मुझे कहना है आपका जो भी मार्क्स आ रहा है, अगर आपको 60 आ रहा है 70 आ रहा है 80 आ रहा है, एक रिक्वेस्ट है, आप प्रिपरेशन करो, प्रिपरेशन करते रहो, 15 को रिजल्ट आज आने वाला है, लेकिन आप 15 के बाद आपको अगर 28 को एग्ज़ाम है, आपको पता चला अरे भैया मैं तो पास कर गया, कहाँ आपके पास टाइम है यार, तो आप पढ़ते रहो ना यार, कुछ भी मार्क्स आए आप प्रिपरेशन करते रहो, देखा जाएगा। ये देखो, कभी पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाता, आप सोचो अरे मैं क्यों टाइम बर्बाद करूँ ऐसे लेटर में, लेकिन ये मेरे सुन लो, आज के डेट में एसएससी सीजीएल सीएचएसएल कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर है, आप जो सीखोगे ना वो कभी बेकार नहीं जाता है। बचपन से मैंने जो सीखा है, कुछ भी सीख लो, कुछ भी कर लो, मन से करो, जो भी है एक ना एक दिन वो आपको रिवार्ड देगा ही देगा। मेरे पिताजी कहते थे, अगर भैया तुमको करना है ना जूता भी सीना है, तो उसको इतना मन से जूता सिलो कि भैया एक दिन वो तुमको पूरा तुम्हारा पेट चला ले। तो मेरा वही कहना, जो आप अपना सीखना है, आपको जो भी आप छोड़ दो, एग्ज़ाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा यार, आप प्रिपरेशन करो, लेटर करो, ऐसे करो, अगर बाद में सोचो, अगर चलो ये सब भी छोड़ देते हैं, कभी आपके किसी आपका पड़ोसी आके कह दिया भैया मुझे एक लेटर लिख के दे दो इंग्लिश में, मेरे बच्चे की स्कूल में देना है, मुझे
पुलिस में डायरी करना है, मुझे म्यूनिसिपल कमिश्नर को लिखना है, आपको पैटर्न नहीं आता है, आपको लिखना नहीं आता है, तो क्या मुंह रह जाएगा, इज्जत रह जाएगा यार। आप ग्रेजुएट हो, कोई बोलेगा आप भैया ग्रेजुएट हो, एक लेटर लिखना नहीं आता, तो कभी भी काम बेकार में नहीं जाता, कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होता अगर आप उसको ठीक से यूटिलाइज़ करो। तो मेरा कहना है प्रिपरेशन ज़रूर करते रहो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों एक नया वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए, और जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा क्या सोच रहे हो, 2017 चला जा रहा है, 2018 आ रहा है, सब्सक्राइब कर दो यार। तो फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।